और आइए अब देखते हैं बॉलीवुड वर्ल्ड की कुछ और लेटेस्ट खबरें फटाफट अंदाज में। बाबा साहेब ठाकरे की लाइफ पर बनी फिल्म ठाकरे रिलीज हो चुकी है। फिल्म को लेकर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने जमकर तारीफ की है। उन्होंने फिल्म देखने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि नवाज वाकई बेहद शानदार कलाकार हैं और वो उनके फैन हो गए हैं। बाहुबली सीरीज से फेमस हुए प्रभास इन दिनों खबरों में है। खबरों के मुताबिक प्रभास की नेटवर्थ करीब 196 करोड़ रुपए है, वही उनकी साल भर की इनकम करीब 45 करोड़ रुपए है। सुना है प्रभास एक फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और उनके पास 8 करोड़ की एक कार भी है। 2 करोड़ की जगुआर से वो सफर करते हैं। जल्द ही उनकी फिल्म साहू रिलीज होने वाली है। खबर है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के रिश्ते में दरार आ रही है। दरअसल आलिया रणबीर कपूर को हर वक्त फोन करती रहती है, जिसके चलते वो बेहद चिढ़ने लगे हैं। सूत्रों का कहना है कि दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी वजह से इनका ब्रेकअप हो सकता है। विद्या बालन को लेकर खबर है कि अब वो फिल्म तुम्हारी सुलू की तरह रेडियो पर गाना गाने वाली हैं, लेकिन किसी फिल्म में नहीं बल्कि विद्या असल लाइफ में रेडियो जॉकी बनकर दर्शकों को एंटरटेन करने वाली है। खबरों की माने तो बहुत जल्द विद्या एक रेडियो चैनल पर एक चैट शो होस्ट करने जा रही है। बमन ईरानी अब एक्टिंग के साथ बतौर प्रोड्यूसर भी नजर आएंगे, क्योंकि बमन ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर दिया है। मुंबई में इसका भव्य लॉन्च इवेंट हुआ, जहां अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे। करण जौहर के शो कॉफी विद करण में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद से ही दोनों को टीम से बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब प्रशासकों की समिति यानी कि COA ने उनके इस निलंबन को खत्म कर दिया है, जबकि उनके ऊपर चल रही जांच आगे भी जारी रहेगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए जांच अधिकारी का फैसला आने तक ये भारतीय दल के साथ जुड़ सकते हैं। अजय देवगन रणबीर कपूर की आगामी रोमकॉम फिल्म की घोषणा जब से हुई है, तब से ये लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल इस फिल्म का निर्देशन लव रंजन करने वाले थे और बीते साल ही 2 एक्ट्रेसेस ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद फिल्म को लेकर कोई भी खबर नहीं आई। अब कहा जा रहा है कि ये फिल्म डिब्बा बंद हो चुकी है। सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों विक्रम बत्रा की बायोपिक पर काम कर रहे हैं, जिसे विष्णु डायरेक्ट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म का टाइटल अब फाइनल हो चुका है। खबरों की माने तो इसका टाइटल शेरशाह होने वाला है, हालांकि इसको लेकर अभी तक किसी भी तरह की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बता दें कि विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध के असली हीरो थे। शाहिद कपूर इन दिनों अपनी फिल्म कबीर सिंह पर काम कर रहे हैं, लेकिन खबर है कि शूटिंग के दौरान मुजफ्फरनगर के एक 30 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई है। जिस व्यक्ति की जान गई है वो फिल्म में जनरेटर की जांच करने का काम करता था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। शाहिद ने भी इस बात पर दुख जाहिर किया है। सलमान खान की आने वाली फिल्म भारत का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसने आते ही साथ सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। फिल्म के टीजर को एक ही दिनों में करोड़ों व्यूवर्स देख चुके हैं। टीजर में सलमान खान डिफरेंट अवतार में नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर सलमान के फैंस क्रेजी हो गए हैं।